नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनवाला जो टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रेगुलेशन फॉरम 2021 वाले स्टार्ट हो चुके हैं, बीए बीएससी बीकॉम जो सभी पार्ट स्टार्ट हैं, और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ, और साथ साथ लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस कितनी रहने वाली है ये भी बताऊंगा, और पेमेंट कैसे करें रेगुलेशन फॉरम का। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। जी फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा सर्च बार में राजस्थान यूनिवर्सिटी या आरयूबी, आप टाइप कर सकते हो। जैसे आपने टाइप किया उसके बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पे आप क्लिक करेंगे या अदरवाइज इसकी वेबसाइट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया गाइस, उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर, स्टूडेंट कॉर्नर के बाद में एग्जामिनेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप होगी आपके सामने, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे वेबसाइट है इसकी www.uniraj.org पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइस आ जाता है आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेशन, रिलेशन का ऑप्शन है यहाँ पे, तो रेगुलेशन के फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं देखते हैं। और उसके बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो बीएससी जो फाइनल है स्टूडेंटों का, उनका भी रेगुलेशन का फॉर्म स्टार्ट है, और बीए के भी स्टार्ट है, बीकॉम के भी स्टार्ट है, तीनों के स्टार्ट हैं, और इनकी लास्ट डेट देख लीजिए यहाँ पे बीएससी वाले की, बीएससी जो पार्ट फाइनल है उसकी लास्ट डेट है 22 अक्टूबर, और यहाँ पे बीएससी, ये तो बीएससी पार्ट हो गया, होने साल हो गया 25 को, लास्ट डेट एक्सीडेंट भी होती है, देखती रहना, लास्ट डेट बढ़ भी जाती है कई बार। और उसके बाद बीए की 3 नंबर है, बीए की 3 नंबर, और बीएड स्पेशल जो भी है नीचे वाले आ रहे हैं सेमेस्टर वाइज के, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और यूजी पीजी के रिजल्ट अभी जारी नहीं है, इसलिए पीजी के यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे हम जो अप्लाई करेंगे, और सिक्योरिटी फॉर्म यहाँ से, रेगुलेशन के फॉर्म यहाँ से अप्लाई करेंगे, और आपके जो फोनो नंबर हैं यहाँ से फॉरगेट करेंगे, चेक चालान पेमेंट स्टेटस यहाँ से देखेंगे। अब आपको रेगुलेशन का फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा जो शुरू में है अप्लाई फॉर रेगुलेशन फॉरम, इस पे क्लिक करेंगे गाइस। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे आ जाता है आपका, सेलेक्ट करना होगा आपको यूजी है पीजी है, पीजी के तो रिजल्ट ही जारी नहीं हुए, बट ऐसे ही आपको रेगुलेशन फॉर्म भरने हैं यूजी और पीजी सभी के। उसके बाद में गाइस यहाँ से आप सर्च करेंगे कि आप बीए हैं या बीएससी है बीकॉम है, आर्ट्स के अंदर तो बीए बीएससी बीए वाले आएंगे, और बीएससी के अंदर मैथमेटिक्स के, तो यहाँ से बायोलॉजी के भी स्टूडेंट्स में रहते हैं, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि बीए आप हॉन्स बीएससी हॉन्स में हो या रेगुलर में हो, तो रेगुलर या नॉन कॉलेज एक्स स्टूडेंट इसमें करेंगे। उसके बाद में प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको रोल नंबर अपने लगाने हैं, रोल नंबर लगाने के बाद में यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। जी फ्रेंड्स, गाइस यहाँ पे आपकी बाद में नेक्स्ट स्टेप होगी, तो रिवलेशन पैनल आ चुका है यहाँ पे, बीए बीएससी पार्ट फाइनल, ऐसे ही आपको बीए बीएससी बीकॉम में भर सकते हैं। उसके बाद में आपके रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, कॉलेज आपकी होगी, उसके बाद में रिजल्ट यहाँ पे लिखा आएगा जो भी है, और आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट करने होंगे अपनी मार्कशीट में जो आप सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करने होंगे, 50% आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट है 50%, जिनके आधे आधे सेलेक्ट कर सकते हैं आप इसमें, और मत जो बर्ज यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 25% ही सेलेक्ट कर सकते हैं ओनली। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ जो भी विषय हमने रेगुलेशन लगाना है। उसके बाद में गाइस आप करोगे प्रोसेस, प्रोसेस करने के बाद में गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आपका रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम आ चुका है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एड्रेस आपको टाइप करना होगा, एड्रेस टाइप करने के बाद में यहाँ पे फुल एड्रेस होना चाहिए आपका, जो भी गांव है जिला है, उसके बाद पिन कोड नंबर होने चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर, और आपकी पेमेंट 350 रुपये होगी, एक भी सब्जेक्ट ही 350 रुपये है, और जो तीन सब्जेक्ट मिला के 1050, यानी कि एक सब्जेक्ट की 350 रुपये है। उसके बाद में फीस हो गई आपकी, उसके बाद में क्लिक करेंगे नेक्स्ट, नीचे नीचे आपके जो भी सब्जेक्ट है रिलेशन लिया है उसका आ चुका है डेटा, उसके बाद में गाइस यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। उसके बाद में गाइस आपके सामने एक्स्ट्रा स्टेप होगी, और यहाँ पे आपका जो कार्ड है इनवॉइस वैलिड अप टू है पेमेंट वाला वो आ चुका है,
और यहाँ से आप अपना पेमेंट करने वाले हैं, आपके डिटेल्स आ जाएगी कंप्लीट जो आपने भरी है। उसके बाद में नीचे आपके सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन सब्जेक्ट ने आपने रिलेशन लगाया, और उसके बाद में गाइस आप करेंगे मेक पेमेंट। पेमेंट पे क्लिक करेंगे या आप अपने ये इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट आपका होगा। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या ईमदर से भी, आपके पास कई ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं कई ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, जो चाहे मन करे पेमेंट सही तरीके से करना, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहुँच सकते हैं। थैंक यू।